हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया सड़क की कहानी का पार्ट टू सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए, मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे शशांक पगले, मेरा सिर फूट जाता, क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक लगाने की। शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हम सब से बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते से पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रोके मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख तुम सब चौंक गए होगे, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होते हैं। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के मारे माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसको बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा, कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था, हम जा ही रहे थे, रास्ता था तो जो ख़त्म हो ही नहीं रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसको गांव का नाम पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया, शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा, उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे थे।
बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब अगला कहानी अगले पार्ट में। हाँ पता है, थोड़ा छोटा बन गया ये वीडियो, लेकिन हो जाता है यार, कभी कभी अपने से भी हो ही जाता है। ठीक है, चलते हैं आज, बाकी ये कहानी कल सुना देंगे। हो जाता है यार कभी कभी, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लिया करो। थोड़ी छोटी है कहानी, लेकिन मस्त है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।